समर्पित गणेश चतुर्थी की ढेर सारी शुभकामनाएं। ब्यूटीफुल पीपल, आप सबने कैसे गणेश चतुर्थी मनाई ये मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। तो आइए शुरू करते हैं मेकअप। तो सबसे पहले मैंने टोनर का स्प्रे किया एंड टोनर हाथ में लेके अपने फेस के ऊपर भी पुश कर दिया है। और ये है मॉइस्चराइजर क्रीम, क्योंकि वो तो हमारी स्किन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है फ्रेंड। ये तो हम मेकअप करें या ना करें पर हमें ज़रूर लगाना चाहिए, ताकि हमारी स्किन है वो बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट रहे लाइक मलाई। और मॉइस्चराइजर क्रीम लगाने के बाद मैंने इसे ब्लेंडर की हेल्प से ही ऐसे अपने फेस के ऊपर सेट किया और फिर देखा कि ये हो गया है। तो उसके लिए भी उसे 30 सेकंड तक छोड़ना है ताकि वो अच्छे से सेट हो। नेक्स्ट में मैंने लिया है ये प्राइमर, ये हुडा ब्यूटी का प्राइमर है और ये थोड़ा ज़्यादा ही लिक्विडी फॉर्म में आता है और ये मेरे स्किन के लिए बहुत ज़्यादा सूटेबल है। तो मैं इसे यूज़ करती हूँ ऐसे आईलिड के ऊपर भी मैंने लगाया। सबसे पहले ओपन पोर्स के ऊपर लगाना है, फिर बचता जो भी है वो अपनी पूरे फेस के ऊपर लगा देना है और फिर ऐसे इसे भी 30 सेकंड तक छोड़ना है। और ये है फाउंडेशन जो कि मैं डॉट कर रही हूँ अपने फेस के ऊपर, नोज़ के ऊपर और नेक को भी नहीं भूलना है। पूरे दिन अगर हमें मेकअप रखना है तो अच्छे से टाइम लेके मेकअप करना है। और फिर स्प्रे करके मैंने ब्यूटी ब्लेंडर का यूज़ किया है ऐसे और अपने फाउंडेशन को सेट कर रही हूँ, ब्लेंड कर रही हूँ। फिर मैं कंसीलर लिया है अंडर आई एरिया में, ऐसे पूरा एरिया ट्रायंगल शेप में मैंने कवर किया, नोज ब्रिज के ऊपर एंड फोरहेड के ऊपर लगाया ऐसे। और फिर उसे भी मैंने वेट ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से ब्लेंड किया। कोई भी मौसम हो अपने लिप को केयर करना नहीं भूलना चाहिए, तो मैंने भी कर लिया ताकि जब हम लिपस्टिक लगाए तो अच्छे से लग जाए। और ये है लूज पाउडर जो कि है लैक्मे का, इसे इस तरीके से लगाना है फेस के ऊपर, थोड़ी देर रखना है और फिर एक्सेस पाउडर को रिमूव करना है। ऐसा भी बहुत कुछ होता रहता है जब मैं मेकअप करती हूँ ना कुछ मेरे हाथ से जरूर गिरता रहता है। फिर मैं ब्रश की हेल्प से एक्सेस पाउडर को ऐसे रिमूव कर रही हूँ और फिर मैंने नेक्स्ट में फिट मी का ही कॉम्पैक्ट लिया है जिसमें मेरा सेट है 120
और इसे आप ब्रश या ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से अपने फेस के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। इसे ये बहुत ही अच्छा कॉम्पैक्ट है और मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है पर्सनली, तो मैं यही यूज़ करना पसंद करती हूँ। और इसे अपने फेस के ऊपर लगा लेने के बाद हम जो भी मेकअप करें उसे सेट करने के लिए कॉम्पैक्ट ज़रूरी होता है, और ब्रो फिल करना तो बनता ही है, इसके बिना तो मेकअप आगे बढ़ेगा नहीं। तो पहले आप देख सकते हैं कि स्टार्टिंग से लेकर एंड तक हमें जाना है स्मॉल स्ट्रोक लेते हुए, कैसे भर गई है पूरी ब्रो, जो फिल होता है उसे हमें भरना है ऐसे, आप देख सकते हैं। आप स्पूली का उपयोग भी ज़रूर कीजिए जब आप ब्रो फिल कर लेते हैं तो, क्योंकि इसी से वो मेक लगाई हुई प्रोडक्ट है वो हमारे अच्छे से डिस्ट्रीब्यूट होती है हमारे ब्रो के अंदर। और मैंने ऐसे लाइट ब्राउन से लेकर क्रीज लाइन पे प्लेस करके इसे ब्लेंड कर रही हूँ ऐसे इनर एंड आउटर साइड में। और फिर मैंने थोड़ा डार्क सेड लिया है उसे भी ब्लेंड कर रही हूँ। नेक्स्ट में मैंने लिया है ये ईयरबड, उसी की हेल्प से मैंने लगाई हुई काजल और मेकअप को थोड़ा थिक बना रही हूँ ऐसे। ये भी एक बहुत यूजफुल टिप है फ्रेंड्स, अगर आपके पास ब्लेंडिंग ब्रश नहीं है या तो हमने अभी तक नहीं खरीदा है, तो ये जो ईयरबड होता है उसे भी जरा ध्यान से पर हम यूज़ कर सकते हैं। अगर आप बिगिनर हैं तो इसे यूज़ करने में थोड़ा और ज़्यादा ख्याल रखें कि आँख में हर्ट ना हो जाए, पर ये वर्क ज़रूर करता है, इज़ अ वेरी वेरी यूजफुल टिप है। तो मैंने उसी को लेकर फिर ऐसे आप देख सकते कि मैंने आईलिड के ऊपर भी इसका यूज़ किया है। ऐसे जो फॉल आउट होता है उसे ऐसे ब्रश से निकाल देना है, और फिर इसके ऊपर मैंने कॉम्पैक्ट लगाया ताकि हमारी स्किन है वो फ्लॉलेस लगे और एक अच्छा लुक क्रिएट हो। और ये नेक्स्ट में मैंने यूज़ किया है मस्कारा, इसे अपर और लोअर लेसिस में लगाया है इसे। ये मेकअप बहुत ही लॉन्ग लास्टिंग चलता है और पूरे दिन के लिए हम मजे से एंजॉय कर सकते हैं इस मेकअप के साथ। ये ब्लश है, ब्लश भी लगाना ना भूले फ्रेंड्स, ये तो बहुत ही ज्यादा जरूरी है, थोड़ा सा नोज के ऊपर भी लगा देना। अब ये नेक्स्ट कॉन्टोरिंग कर रही हूँ अपने नोज, जो लाइन और उसे ब्लेंड कर रही हूँ ऐसे। हॉलोस ऑफ द चीक के ऊपर भी इस तरीके से ब्लेंड करना है, ये इसे बहुत ही प्यारा लुक होता है। जितना मेकअप मैंने किए कर लिया है उतना मेकअप को सिक्योर करने के लिए मैंने मेकअप सेटिंग स्प्रे लगा के फैन से इसे ड्राई किया।
नेक्स्ट में मैंने हाइलाइटर लिया है ऐसे नोज ब्रिज के ऊपर, ब्रू बॉन के ऊपर ऐसे ब्रो के आसपास, एंड फोर हेड कॉर्नर के ऊपर एंड चीक बॉन के ऊपर, दोनों ही चीक बॉन के ऊपर ऐसे मैंने हाइलाइटर है वो लगाया है, एंड क्यूपिड बॉन के ऊपर ऐसे पूरे फेस को मैंने हाईलाइट किया। ये लगाई है लिपस्टिक जो कि है बुलेट, क्योंकि मुझे पूरे दिन इसी लुक में रहना है तो मैंने इतना रेडी कर लिया ये मेकअप। और हल्का सा मैंने अपने चीक बोन के ऊपर भी लगाया, बहुत ज़्यादा नहीं, बहुत ही हल्का सा थोड़ा सा, और फिर उसे भी ऐसे ब्लेंड कर लिया। एंड दिस इज़ माय फाइनल लुक फ्रेंड, फाइनल फिनिश लुक विथ महाराष्ट्रियन ट्रेडिशनल लुक।